हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, 22 जुलाई की विज़न की मैगज़ीन आ गई है, तो चलिए इसकी आज फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट टू रिवैम्प फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रेटजी टू इंश्योर इकोनॉमिक बेनिफिट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उन्हें अभी रिमूव इम्प्रूव करने की सोच रही है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स को गेन कर सकें। अभी क्या हमारा हम ये मूव क्यों लिए है, हम इसलिए लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ताकि हम इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स ले सकें। हमारा फोकस यही है कि हम उन कंट्रीज़ के साथ एलियंस बनाएं, जिसके साथ हमारे ऑलरेडी पीसफुल मतलब कि पीसफुल हमारा उनके साथ बिहेवियर है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के साथ जिसके साथ हमें कभी भी ट्रेड डेफिसिट नहीं होता, उन कंट्रीज़ के साथ हमें कुछ एलियंस बनाएं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो पैक्ट होता है दो या मोर नेशंस में बीच में, जिसमें क्या जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स के जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, इंडिया ने देखा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी वजह से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ता है, इसलिए इंडिया ने बहुत कंट्रीज़ के साथ जो एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया हुआ है। आप देख सकते हो ट्रेड टाइज, इसके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, एशियान, चिले, जापान, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, मैरकोसर, श्रीलंका, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एशिया की बात कर रहे हैं। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो हमें ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है, मतलब कि रिव्यू करना पड़ रहा है या इम्प्रूव करना पड़ रहा है, क्यों? हाँ, इंडिया ने ये नोटिस किया है, इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है कि जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो करता है उससे जो इंडिया का ना ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ा है। एक एक्सेप्शन कर दें जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा इंडिया का जो एशियान की कंट्रीज़ हैं या कोरिया या जापान, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ा है। एक्सपर्ट्स ने सुजेस्ट किया है कि जो चाइनाज गुड्स हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं कंट्री से रीरूट होकर इंडिया में दोबारा शिप हो जाते हैं विदाउट एनी वैल्यू एडिशन। कुछ क्या है, कुछ फॉल्टी मेजर्स भी हैं हमारे, स्ट्रिक्टर रूल्स ऑफ ओरिजन भी है, अवेयरनेस की भी कमी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जिस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अच्छे से फ़ायदा भी नहीं उठा पाते लोग। कंसर्न्स इसलिए हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हमारा काफ़ी रेवेन्यू उसका लॉस हो जाता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बेनिफिट ले सके मेनली सर्विसेज सेक्टर में विद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और नर्सेज में, ताकि वो इजीली असेस करें मार्केट को किन के, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया एंड एक्सेट्रा। तो गाइस, आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों रिव्यू करना चाह रही है, क्योंकि उसने देखा है कि नो डाउट कि बैरियर्स को रिड्यूस करता है, इसलिए वो चाहते हैं हम करें, लेकिन उसका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा है इंडिया का कि उसको मैक्सिमम हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही होता है, तो उसने ये भी देखा क्यों होता है, कुछ ऐसे मतलब कि बैरियर्स हैं या फॉल्टी कमिटमेंट्स हैं या अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, कुछ रेवेन्यू का लॉस है, इस वजह से क्या कर रही है इंडिया इसको थोड़ा इम्प्रूव कर रही है अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। पैक्ट टू एंड हार्मफुल फिश सब्सिडीज डिफिकल्ट विदाउट स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया। अभी क्या है, जो WTO है वो सोच रहा है कि जो फिश सब्सिडीज़ है ना, जो फिशिंग के लिए हम सब्सिडीज़ देते हैं उसे बंद किया जाए, लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर कंसर्न शो किया है कि यार आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ आपको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि बिना इस ट्रीटमेंट के इस पैक्ट को एंड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, WTO के मेंबर्स हैं, उन्होंने नेगोशिएट किया है कि हमें सब्सिडीज़ को एलिमिनेट करना चाहिए, किसके लिए, क्योंकि क्या है, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, तो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ फिशरीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस सब्सिडीज़ को एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि हम जब सब्सिडीज़ ज़्यादा देते हैं तो लोग क्या करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं, ओवर कैपेसिटी से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फिशिंग करते हैं। ये जो नेगोशिएशंस हुई थी ये 2001 में शुरू हो गई थी दोहा के मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में। फिशरीज सोर्स हैं, आपको पता ही है, प्रोटीन का, लाइवलीहुड का, फॉर द मिलियंस, बहुत मिलियन ऑफ पॉपुलेशन का जो कि कोस्टल कम्युनिटीज़ में रहती हैं, स्पेशली वुमेन का। देखा जाए कि $35 बिलियन फिशिंग सब्सिडीज हम वर्ल्ड वाइड देते हैं, जिसमें जो $20 बिलियन जो यूज़ होता है वो डायरेक्टली ओवर फिशिंग में होता है। ठीक है, लोग ओवर से ओवर करते हैं भी ज़्यादा, ताकि उसका गेन पाने के लिए। इंडिया की क्या कंसर्न है, इंडिया का क्या प्रपोजल है, इंडिया ने बोला है कि फिश सब्सिडी में डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को आपको स्पेशल राइट्स देते हो और कुछ मेंबर्स को क्या करते हो, अलाउ करते हो कि हाँ आप ये कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा उनको फेवर करते हो। ठीक है, उन्होंने बोला है कि स्मॉल फिशिंग कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए डेवलपिंग नेशंस में। इंडिया का कहना है कि हमें ये जो आप एलिमिनेट करने को कह रहे हो सब्सिडीज, वो आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फिशिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं लार्ज सब्सिडीज, उन पे आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसे इंडिया है वो इतनी सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करता, USA है या फिर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अपने फार्मर्स को भी और जो भी इन फिशिंग में लगे हुए हैं उनको ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया कह रहा है कि आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ पे मत कंसर्न करो, आप उन पे कंसर्न करो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फिशिंग करते हैं, या फिर वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा मतलब कि लार्ज सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है,
लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूएसए ऑस्ट्रेलिया वो कह रहे हैं कि नहीं, सब्सिडी का कैप लगना चाहिए कंट्रीज़ पे जिनके पास ज़्यादा फिश स्टॉक्स है, जैसे इंडिया और चाइना के पास फिशिंग का बहुत ज़्यादा स्टॉक है। तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि नहीं, इन कंट्रीज़ पे सब्सिडी का एक कैप लगा देनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट सिस्टम। फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज है, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो उसके डेवलपमेंट स्टेटस को देखे बिना हमें कोई सब्सिडी कैप करनी चाहिए, स्पेशली उन कंट्रीज़ के पास जिनके पास फिश का स्टॉक बहुत है। ठीक है, सो गाइज आपको समझ में आ रहा हो, आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स कॉल फॉर स्ट्रेटजी ओवरहॉल फॉर रिवाइज लैंड रिस्टोरेशन टारगेट। अभी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उन्होंने बोला चाहिए कि लैंड को रिस्टोरेशन करने के लिए कुछ टारगेट रिवाइज किए हैं। अभी क्या है, पहले जो लास्ट ईयर जब क्या था, इंडिया ने डिसाइड किया कि वो 26 मिलियन हेक्टर्स को जो कि डिग्रेडेड लैंड है उसे 2030 तक क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। इसने क्या किया, अभी जो अपने टारगेट को रिवाइज़ किया, जो पहले इसने 21 मिलियन हेक्टर को बोला था रिस्टोर करने के लिए, अब 26 मिलियन हेक्टर को बोल दिया है। लैंड डिग्रेडेशन आपको पता ही होगा कि वो लैंड जो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी खो चुकी है, डिटेरियोरेट हो चुकी है, जो उस पर अभी प्रेजेंट सोइल है या फिर फ्यूचर में खोने वाली है। करंटली जो कंट्री का, जो हमारे इंडिया का वन थर्ड एरिया है, दैट इज़ 96.4 मिलियन हेक्टर, वो ऑलरेडी लैंड डिग्रेडेशन में है। ठीक है, वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है। लैंड रिस्टोरेशन किसका पार्ट है, इंडिया का कमिटमेंट है ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव है किसके अंदर, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आपको पता होगा 1992 में रियो समिट हुई थी, तो उसके अंदर तीन रेजोल्यूशन पास हुए थे, एक तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, एक ये हुआ था यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और एक और हुआ था, अभी मैं आपको बता दूंगी, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इसी के अंडर है क्या, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, जिसको हमें अचीव करना है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एक स्टेट होती है जहाँ पे जो लैंड के रिसोर्सेज हैं उनका अमाउंट और उनकी क्वालिटी क्या है वो इतनी होती है कि जो वहाँ के इकोसिस्टम है उसे सपोर्ट कर सके। लाइक अरे बंजर ज़मीन होगी है तो उस पर क्या, उस पर कोई पेड़ ही नहीं उग सकता, तो इसका मतलब वो इकोसिस्टम में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो आपको कम से कम उसको इतना बनाना है कि कम से कम वो इकोसिस्टम में कुछ सपोर्ट कर सके। ठीक है, वो स्टेबल रह सके हमारा, मतलब कि जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है। ठीक है, अभी फिलहाल के जो प्रेजेंट स्ट्रेटजी, उसमें शॉर्ट कमिंग्स क्या है, हम क्या जो फोकस है मेनली फॉरेस्ट लैंड्स पे करते हैं या उन लैंड्स पे जिससे हमें रेवेन्यू मिल रहा है, हम किसी प्राइवेट फैलो या एग्रीकल्चर लैंड पे फोकस नहीं करते। हम मेनली फोकस करते हैं एफॉरेस्टेशन पे, सोइल और वाटर कंजर्वेशन पे, लेकिन बिना उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस पे हम ध्यान नहीं देते। और हमें अब स्ट्रेटजीज चाहिए क्या, ये तो हमने देख लिया क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, अब हमें क्या स्ट्रेटजीज चाहिए। स्ट्रेटजी यही है कि हमें रेनफेड क्रॉप सिस्टम पे अप्रोच करना चाहिए रेदर देन सोइल कंजर्वेशन अप्रोच। ठीक है, रेनफेड क्रॉप सिस्टम जहाँ पे बारिश पे डिपेंड करता है कि यार मेरी क्रॉप कैसी होगी, तो हमें उस पे वो देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हमें क्या है, लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना है उस, लाइक सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, ये फार्मर्स को इशू होता है, उसमें क्या होता है, उनकी सोइल की एक चेकिंग होती है कि हाँ आपकी सोइल की हेल्थ क्या है और आपको कितना उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है किस क्रॉप के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हर लैंड में आप 4:2:1 की PKN की वो डाल दो। ठीक है, पोटाश है ना, और क्या होता है यार ये यू पोटेशियम फॉस्फेट, इस रेशो का होता है ना, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये डलती है, हर लैंड का अलग होता है, हर सोइल के हिसाब से अलग होता है। तो हमें ऐसे सोइल हेल्थ कार्ड्स को लाके बिहेवियर चेंज लाना है और एनकरेज करना है कॉर्पोरेट की सपोर्ट को, ताकि वो क्या कर सके, लोगों को इस एफर्ट्स में क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। सेंटर कैन फंड डेफिसिट एट द लोअर रेट्स थ्रू डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, सजेस्ट स्टेट बैंक ऑफ रिपोर्ट। अभी गाइज अगर आपने जून की मेरी इकोनॉमी का सेक्शन जो मैंने पढ़ाया है उसकी मंथली मैगजीन कर रही हूँ, तो उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो अभी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या, गवर्नमेंट लॉस में चल रही है, उसका मतलब ट्रेड डेफिसिट इतना हो चुका है कि गवर्नमेंट को अभी अपना खर्चा निकालने के लिए या तो बोरो करना पड़ेगा या फिर वो RBI इसको डेफिसिट फाइनेंस कर दे। अगर वो बोरो करेगी तो इसका जो गवर्नमेंट का डेप्ट और बढ़ेगा, तो इसलिए क्या करेगा, RBI क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, मोनेटाइज कर रहा है। उससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट का डेप्ट नहीं बढ़ता। ठीक है, तो दो तरह से मोनेटाइज करता है RBI, एक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है, एक इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होता है, RBI क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली खरीद लेता है, कहाँ से, प्राइमरी मार्केट से। इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हाँ आप प्रिंट करो, करेंसी को आप प्रिंट कर सकते हो बजट डेफिसिट को मीट करने के लिए। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या करता है, पहले गवर्नमेंट अपने प्राइवेट प्राइमरी मार्केट में क्या करती है, इशू करती है अपने बॉन्ड्स, और उसके बाद RBI क्या करता है, सेकेंडरी मार्केट से गवर्नमेंट के वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनको परचेज करता है। तो देखिए, ये होते हैं इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। अभी किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, पैंडमिक की वजह से जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज
कम हो गए हैं क्योंकि उसके पास कोई कमाई नहीं हो रही, टैक्स नहीं कलेक्शन हो रहा। ऑल्सो जो हमारी डेप्ट टू जीडीपी रेशियो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 87.6% हो चुकी है जो कि पहले 68% होती। तो आप देख लो कितना इंडिया का डेप्ट बढ़ चुका है। एनालिसिस ने ये शो किया कि जो इस साल फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो 5% से ज़्यादा बढ़ सकता है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को हमने 1997 में बंद कर दिया था क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के कुछ इफेक्ट भी पड़ते हैं, इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, उससे क्या होता है मार्केट में एकदम से इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल की अगर जिसे अभी का समय देखा जाए, जैसे पैंडेमिक चल रहा है तो डिमांड ऑलरेडी नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि अगर हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करेंगे तो ये इन्फ्लेशन वाला स्टेप नहीं आएगा, ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। FRBM जो एक्ट आया था 2003 में, उसने भी अलाउ किया था कि हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर सकते हैं डेफिसिट की कुछ सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, और एक कोविड है वो एक तरह की एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस ही है। रिपोर्ट ने सुजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि वो फंड रेज करे डायरेक्टली फ्रॉम RBI थ्रू इशुएंस ऑफ कोविड परपेचुअल बॉन्ड्स और सच इंस्ट्रूमेंट। परपेचुअल बॉन्ड या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती और ये मेनली लो इंटरेस्ट रेट पे ऑफर होता है। तो गाइस आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या सेंटर ने डिसीजन लिया है ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीव्स फील्ड ओपन फॉर ब्लैक मार्केट ऑपरेटर्स। एक सेकेंड, अभी क्या जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो प्रो GM सीड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आपको GM क्रॉप्स पे स्टैंड लेना चाहिए। करंटली क्या है, इंडिया में सिर्फ एक BT कॉटन ही है जो सिर्फ GM क्रॉप है, आई मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो अलाउड है कि आप कमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हो। लेकिन जो और भी जो GM क्रॉप्स हैं जैसे HT कॉटन, BT ब्रिंजल या HT सोया सीड, ये भी ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है और फार्मर्स इनको ऑलरेडी कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। GM क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनका DNA आपने अल्टर किया हो या फिर मॉडिफाइड किया हो थ्रू द जेनेटिकली इंजीनियरिंग, ताकि हम उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, क्वालिटी बढ़ा सकें। अब जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसके मैम एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार तो अच्छी बात है कि हमारी फूड सिक्योरिटी का गोल अचीव होगा, न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए वो क्या हो सकती है GM क्रॉप से क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि GM क्रॉप की वजह से एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ह्यूमन हेल्थ की इम्पैक्ट पड़ेगा और क्रॉप की डाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो ये GM क्रॉप्स का मैटर है, इनको कौन सी बॉडी जो डील करती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब प्रपोजल को क्या करती है, डील करती है, ठीक है। कार्टागिना प्रोटोकॉल था बायो सेफ्टी पे, वो प्रोवाइड करता है वेल डिफाइंड मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ GM क्रॉप्स इंक्लूडिंग बायो सेफ्टी इवेल्यूशन एंड एनवायरमेंटल रिस्क। जो कार्टागिना प्रोटोकॉल है बायो सेफ्टी पे, वो GM क्रॉप्स को रेगुलेट करता है ये देख के। बायो सेफ्टी का मतलब है कि किसी एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट ना पड़े, ना ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट पड़े और ना किसी एनिमल की हेल्थ पे इफेक्ट करे, ये सब इवेल्यूएट करके वो किसी भी चीज़ को क्या करता है, अलाउ करता है। तो ठीक है गाइज, चलो अब छोटी छोटी न्यूज़ का समय आ गया है। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने अमेंड किया इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स, ठीक है। तो इस नॉर्म्स के अंदर किया, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन्हें क्या है, अपना डिजिटल डाटा बेस को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके अंदर सारी नेचर होनी चाहिए, प्राइस सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो अभी हमने पब्लिश नहीं करी है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो भी इसमें होना चाहिए। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या, ये इलीगल एक्टिविटी है जो कि SEBI ने बैन कर दी थी। इसमें क्या होता है, आप जो मार्केट की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही पहुंचा देते हो। सपोज़ करो मेरी कंपनी के शेयर हैं, ठीक है, अब क्या मुझे पता है, मतलब मेरे साथ जो और बंदा काम कर रहा है उसे पता है कि हाँ यार इसके आज इसने 10 रुपये में अपने शेयर इशू करे हैं, लेकिन इसे भी पता है कि कल एकदम से इसके शेयर 100 रुपये हो जाएंगे। अब क्या है, अब मेरे साथ जो बंदा है वो काम गेन करने के लिए अगर किसी को पहले ही बता दे कि यार इस कंपनी के तो शेयर खरीद ले क्योंकि इसके 100 रुपये होने वाले हैं, तेरे को बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो क्या कर लेगा, वो खरीद लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग, कि आप क्या कर रहे हो कि सारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है किसी और बंदे को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये क्या है, बैन है। तो एक बार देख लेते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग एक माल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है इज़ अंडरटेकन बाय पीपल हु बाय वर्च्यू ऑफ देयर वर्क हैव एक्सेस टू अदरवाइज नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन विच कैन बी क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, कि आप कोई जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या कर रहे हो, किसी और बंदे को दे रहे हो। ये प्रोहिबिटेड है अंदर कंपनीज एक्ट 1956। और अभी क्या अमेंड हुआ है नॉर्म्स, यही है कि जो एंटिटीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल डाटा बेस को मेनटेन करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंप्राइज करना होगा, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, यूरो कोरोना वायरस रिकवरी फंड। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, स्टिमुलस पैकेज पे एग्री किया है, जैसे भाई अपने प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज दिया है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन ने एक स्टिमुलस पैकेज इशू किया है
कितने बेगा 750 बिलियन यूरोस का है, जिस जो मेंबर स्टेट्स को हेल्प करेगा जाके जो कोरोना की वजह से इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ा है उसको हम क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें। यूरोपियन कमीशन क्या करेगा, जो मनी है वो फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी आधी मनी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज ग्रांट्स टू द हार्डेस्ट हिट यूरोपियन स्टेट। जो यूरोपियन यूनियन के स्टेट बहुत ज़्यादा हिट हुई हैं उनको क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और बाकी जो रेस्ट कंट्रीज हैं उनको एज अ लोन वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑन द हाउसहोल्ड कंजप्शन रिलेटेड टू हेल्थ। अभी सर्वे ने देखा है कि जो 80% इंडियंस हैं उनके पास हेल्थ एक्सपेंडिचर का कवरेज ही नहीं, जो गवर्नमेंट कवरेज देती है ना वो 80% इंडियंस के पास है ही नहीं। रूरल इंडियंस में देखा जाए तो 86% लोगों के पास नहीं और अर्बन इंडियंस में देखा जाए तो 81% लोगों के पास नहीं है और जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस है वो डिपेंड किस रहे हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर। ठीक है, तो ये सर्वे जो है किसने किया था, नेशनल सैंपल सर्वे ने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है ना, आंसर राइटिंग में लिखने को काम आ जाता है। सीरोलॉजिकल सर्वे, अगर आपने न्यूज़ देखी हो इवन टीवी पे भी, तो एक सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ दिल्ली में, उसमें ये देखा गया है जो 22.8% पीपल हैं उनको सर्वे किया गया और देखा गया कि वो लोग क्या है, नोवल कोरोना वायरस मतलब कि पॉजिटिव हैं। सीरोलॉजिकल सर्वे में किया है, जनरल पॉपुलेशन से आपने ब्लड सैंपल लिए और उनको टेस्ट किया, उनकी एंटीबॉडीज़ टेस्ट की, किसकी, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज टेस्ट की। अगर उस पर्सन में वो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिली है इसका मतलब वो इन्फेक्ट थे कोरोना वायरस से पास्ट में, चाहे वो अब सही हो गए हों लेकिन इसका मतलब वो पास्ट में इफेक्ट थे। मतलब जैसे आपने दिख रहा है कि कोरोना वायरस भी दो तरह का चल रहा है, एक सिम्टोमेटिक एक एसिम्टोमेटिक, तो अगर इसका मतलब उस बंदे को पता ही नहीं था तो इसका मतलब वो एसिम्टोमेटिक कोरोना से वो सफ़र कर चुका है पास्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं इन्फ्लामेजिंग। अभी आपको पता है कोरोना वायरस का चलते है, आपने देखा है कि जो मेनली जो मॉर्टेलिटी रेट है, मरने का रेट है, वो ओल्डर पीपल में ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा है, वो उसको देखा गया ये इन्फ्लामेजिंग की वजह से है। इन्फ्लामेजिंग वो डिफाइंड है जो कि क्रॉनिक सिस्टम को क्या कर देती है, लो कर देती है, क्योंकि क्या है आपको क्या है, फिजिकल एज आपकी बढ़ रही है जिसकी वजह से इम्यूनिटी क्या करती है, इनहिबिट हो जाती है। तो एज रिलेटेड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, तो ये बस ये सिंपल है। फॉर्म 26AS ये क्या है, ये एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि यार टैक्स कहाँ से कलेक्शन हुआ है, टैक्स कहाँ से डिडक्ट हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। इसको लॉन्च किसने किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है रिवाइज फॉर्म 26AS जो रिफ्लेक्ट करते हैं सारी डिटेल्स हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की, जो मतलब कि ज़्यादा रकम की ट्रांजेक्शन हुई हैं उनकी सारी डिटेल्स इसमें सारी हैं। ठीक है, ये एनहेंस करता है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इससे इन्फॉर्मेशन रहेगी किस किस के बीच में, जिसने टैक्स भरा है उसके बीच में और टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो गाइस ये आज ही कंप्लीट कर दी है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।